हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज बंसल, वेलकम टू अनुज बकेट। इस बार हम जो ट्रिप करने जा रहे हैं भाई, बहुत लंबा, पूरा का पूरा यूपी कवर करने वाले हैं। इस ट्रिप पे हम कवर करेंगे, सबसे पहले जाएंगे हम चित्रकूट में सारी जगह कवर करने के बाद हम जाएंगे इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज भी बोलते हैं। प्रयागराज के बाद हम जाएंगे काशी के धाम वाराणसी से अयोध्या होते हुए, राम जन्मभूमि देखते हुए हम जाएंगे लखनऊ, और लखनऊ के बाद दिल्ली। तो बहुत मजा आने वाला है इस पूरे ट्रिप में। इस ट्रिप में जाने वाले हैं हमारे साथ मेरी वाइफ स्वाति, और इस ट्रिप में रिपीट करेगी फिर से एक्सक्लूसिव हमारी पुरानी पृष्टि। जी हाँ, इस ट्रिप में पृष्टि पूरे ब्लॉग बनाने वाली है। पृष्टि के साथ पृष्टि की मम्मी मेरी सिस्टर कामिनी, और हमारे जिया जी, वो वाले जिया जी जिनको सब कुछ पता होता है। तो इस पूरी ट्रिप में बहुत मजा आने वाला है, हमारी पूरी सीरीज एंड तक देखना भाई। और यदि आप नए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जस्ट हिट दिस रेड बटन एंड द बेल साइन। अभी मैं ऊपर हूँ, बैग वैग मैंने पैक कर लिया, सब नीचे जा चुके हैं, और मैं नीचे चलता हूँ सरनी के साथ, पृष्टि के साथ। पृष्टि हाय बोलो सबको, पृष्टि थोड़े से मारे, चलो लेट्स गो। सरनी चले बाबू, चलो। हाय जी जी, कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं हम? एज यूजुअल भाई, तू मानता तो है नहीं, BMW में जाएंगे। क्या बात है, BMW बहुत सुंदर लग रही हो साथी, चल। थैंक यू, बस एक मिनट, मेरे को काम है। मम्मी नमस्ते। नमस्ते, जा रहे हैं, जा पापा। तेरे जीजू कह रहे हैं माल तो ये है, मैंने कुछ नहीं कहता, उसे पता नहीं होगा, तो गाड़ी का पानी पिया है भाई। गाड़ी में सामान जा चुका है, अभी हो रहे हैं सुबह के 4:30 बजे हुए हैं, हमें निकलना है। सबसे पहले हम जा रहे हैं चित्रकूट, आपको बताऊंगा रास्ता क्या है, लेकिन चित्रकूट पहुंचने में 11 घंटे लगेंगे। तो हमारा टारगेट है कि 5 बजे तक हम चित्रकूट पहुंच जाए, क्योंकि हमें वहां पे रामघाट के दर्शन आज ही करने का मन है। इसीलिए गाड़ी में सामान जा चुका है, सोनी सबसे गाड़ी हो चुकी है, चलते हैं, लेट्स गो। चले सोनी, लेट्स गो। बोलो सच्चे दरबार की जय। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. तो अब शुरू हो गया था हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा ट्रिप, जिसमें सबसे पहले हम जाने वाले थे चित्रकूट, फिर हम जाएंगे प्रयागराज जहाँ पे यमुना जी और गंगा जी का संगम होता है, उसके बाद हम जाएंगे काशी के धाम वाराणसी, और फिर अयोध्या से होते हुए हम घूमेंगे लखनऊ। इस पूरे तीर्थ में हम लोग करेंगे 1 ज्योतिर्लिंग, 2 शक्तिपीठ और 2 आदिपीठ के दर्शन। हम निकले थे सुबह 4:30 बजे, इसीलिए 2 घंटे बाद यमुना एक्सप्रेसवे पे हमने रुक के लिया एक ब्रेक। स्वाति पूछ रही है चाय पीनी है चाय, तो सोनी कह रही है कि मामी कौन है मामी, चाय वाली। हाँ, हमका उसने बोला ही नहीं आपकी चॉप चाय वाली नहीं है ना पृष्टि। पर बंसल साहब आप अच्छे लग रहे हो, कैमरे में भी कलर में अच्छे आ रहे हो। वैसे अर्ली मॉर्निंग है, बिल्कुल 6:30 बजे है, हमने अभी अभी यमुना एक्सप्रेसवे में एक भी टोल पार नहीं किया, उससे पहले ही यहाँ पे एक पेट्रोल पंप और यहाँ पे जॉली गो फूड कोर्ट पड़ता है, जॉली गो फूड कोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे पे है। हम यहाँ पर आए हैं क्यों, क्योंकि 31st of July है आज 2021, और 31st of July को मेरी बहन कामिनी का बर्थडे होता है। तो हम देख रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पे अगर हम कोई केक काट सकें, और उसके लिए हम कोई मफिन केक पेस्ट्री कुछ भी मिले हम वो देखना चाह रहे हैं। देखिए 7 AM to 9 PM है ये बंद है सर, सोनी ये भाई आवाज ट्राई कर लेते हैं। सर इज इट ओपन? नहीं, 7 ओके, यहाँ से जा सकते हैं, आओ सोनी चलो। ये हमारी दीदी सोनी और साथी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं। सोनी पॉटी पे केक कट जाएगा, आधे घंटे बाद वापस आयो। ओ क्या लग रही है, रुक जैसे रही है। चाय निकालो चाय। यहाँ पे सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी हमें 15 मिनट हो गए हैं, और अभी मुझे लग रहा है 15 मिनट और लगे, क्योंकि मामी और सोनी यहाँ पे मस्ती करने के मूड में है। क्या बात है भैया, आप सब चाय वाय सब घर से लेकर आए, सैंडविच हमने गाड़ी में खाया, और चाय हम अभी यहाँ पे खड़े हो गए, इतना मजा आ रहा है, इतनी सॉफ्ट धूप लग रही है एकदम सामने, एकदम फेस पे एकदम सॉफ्ट लाइट होती है ना, वो आ रही है फेस, बहुत जबरदस्त। हाँ बाबू बोलो, वहाँ पे झूले अभी नहीं झूल सकते, अभी बंद है। चलो क्या चाय, बहुत स्वाद, बढ़िया है ना, बनाई मैंने। क्या बात है, आज मेरी बीवी का बर्थडे है और मैं उसका एंजॉय कर रहा हूँ। इस बर्थडे क्या दोबारा बोलना, आज मेरी बीवी का बर्थडे है। बर्थडे अच्छा ठीक है, और उसके साथ मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जीजा के घर ही बोला है बहुत ही बढ़िया, केक याद रखते तो मानते हम बर्थडे है, अपनी गलती मेरे पर डाल दो। तो भैया सबसे पहले हम जाने वाले हैं चित्रकूट,
चित्रकूट जाने के लिए हाईवे वही वाला है जो दिल्ली से आगरा की तरफ जाता है। दिल्ली से आगरा तक हम जाएंगे हमने एक्सप्रेसवे, और उसके बाद भी एक्सप्रेसवे छोड़ेंगे नहीं, जहाँ तक वो जा रहा है वहीं तक जाएंगे। वो हाईवे सीधा जाता है लखनऊ की तरफ, लेकिन हमें लखनऊ पहले नहीं जाना, हम मुड़ जाएंगे चित्रकूट की तरफ, और जो रास्ता कटता है बांदा को, बांदा से कट आता है और वहां से 1 घंटे की दूरी पे है चित्रकूट। चित्रकूट में जितनी भी जगहें हैं, हमारा होटल वहां पर थोड़ी सी दूर है वहां से, 3 से 4 किलोमीटर, लेकिन हम हर बार जब भी हम होटल में रहेंगे और जो भी हमें दर्शन वर्शन करने होंगे, हम उस होटल से बड़ी आराम से अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। ये पूरा टोटल सफर है तकरीबन 650 किलोमीटर का, और इसको कवर करने में आपको लग सकते हैं, वैसे देखो अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की आप एवरेज ले सकते हो, लेकिन अगर ये नहीं भी लो, क्योंकि रोड भी खराब मिलेगी आपको, हो सकता है कि जाम भी मिल जाए, तो हम जो ले रहे हैं एवरेज वो ले रहे हैं कि 11 घंटे में हम 650 किलोमीटर कवर कर जाएंगे, क्योंकि हम हो सकता है बीच में खाने पीने के लिए भी रुकें, और क्योंकि बच्चे भी साथ में हैं, हमें वॉशरूम जाना है, कुछ पानी पीना है, चाय पीनी है, उसके लिए रुकने के लिए टाइम लगता है, तो ये सारी चीजें लगाकर 11 घंटे में आप ये सफर कवर कर सकते हैं। देखते हैं दिल्ली से चित्रकूट तक का आपको कितना टोल पे करना पड़ेगा। सर जी? ये देखो ये आ गया भाई हमारा सबसे पहला टोल गेट, और इसमें है 120 रुपए का टोल, और ये हमारा सेकंड टोल गेट, यहाँ पे कितने का है जीजू टोल? पता चलेगा। 155 का लिखा है। 155 का, तो 310 हुआ, लेकिन अगर आप दिल्ली से मथुरा जाओ 255 का टोल है, तो जब आप पहला टोल पार करोगे तो 155 कटेंगे, लेकिन जब अगला टोल पार करोगे तो 155 नहीं कटेंगे, 100 रुपए कटेंगे, वो टोटल 255 ही कटेगा। ये मुझे नहीं पता, समझ आ गया? हाँ। सच्ची अपनी तरह समझ रहा हूँ। बता कितने का टोटल हुआ फिर टोल आगरा तक का? क्या मतलब? ना समझ आया थे कुछ किधर के? यहाँ पे कितने का है जीजू? पता नहीं। अब 140। यहाँ पे 140 है। ये वो मशीन है जो रीड करती है। रीड नहीं हुआ ना जीजू इनका? रीड नहीं हुआ। क्या बात है, अब रीड नहीं हुआ तो क्या करेंगे? मशीन होगी ना, मशीन पास आके रीड कर लेगी ना इसको। मतलब बताओ क्या दुर्गति हुई है। क्या बात है, अब ऐसे रीड करा इन्होंने है, अभी भी नहीं हुआ। इसी हाईवे पे दिक्कत हो रही है, जयपुर गया मैं पूरा हो गया, अब आए हैं अ न्यू चैलेंजर। कैश दे नहीं सकते हम, ये पूरे मांगेगा हमसे, फास्ट टैग हमारी एडजस्टमेंट होगी। अरे भाई अभी तो हमारा पीछे 2 बार कटा है, तो उधर वाली में ले जाता हूँ मैं, हर बार कटाई यही दिक्कत हुई है तुम्हारे। अभी दोनों बार पीछे हो क्या है, कहीं दिक्कत नहीं हुई है? कपड़ा मारते खुल गया ना? हाँ। क्या मतलब कपड़े से क्या मॉइस्चर? पता नहीं मॉइस्चर आ गया वो अंदर। अच्छा ये शीशे में मॉइस्चर आ रहा है ना यार, इसके ना एसी में ये बड़ी प्रॉब्लम है। यमुना एक्सप्रेस वे से उतरती एक और टोल आया है, क्या नाम है इस टोल का? पता नहीं, नाम कुछ नहीं दे रखा। खामखा का टोल है ये? है फास्टैग है या नहीं है उसमें? नहीं है। क्या ये फास्टैग नहीं है यहाँ? कितने का है? 35। भैया हमारी फाइनेंसर का स्वाती है। ये किस चीज का टोल है भैया? जैसे आगरा ना जाना हो, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, तो ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। ये स्ट्रीट लाइट्स है? और क्या, लखनऊ 317। अब ये हमारा 5वां टोल गेट ना, ये जो हमने पर्ची कटवाई शायद इसी पे हो जाएगा। तो हमें इटावा क्या हो? बार बार इटावा, इटावा के इटावा से होते हुए जाना ना, सीधी रोड तो लखनऊ जा रही है ना, सीधी रोड लखनऊ जा रही है, हमें इटावा की तरफ चित्रकूट जाना है ना, तो हाईवे खत्म जाते हुए। ये हमारा 6ठा टोल है, 9 रुपए का। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, वो जी लिखा हुआ था, मुझे लगा 9 में, 9 रुपए कौन सा टोल आ गया।
छटाई तो है, सही तो कह रहे हो, तीन बड़े थे दो छोटे आए हैं, फिर तो पुद्दू से आया हमारा सातवां टोल गेट। इट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का टोल गेट है। नेशनल हाईवे तो लग नहीं रहा था ये। अच्छा ये भी फास्ट है, गोल्डन नो कैश, कैश वाला है। वो मोटी सोनी थी, सोने दे रहे थे तेरे तो उधर बम बम करके गाने चला रखे। ये आईडी कार्ड वाला निकाल। अब ये दोनों नाच रहे थे ना, आपकी भाभी और आपकी बेटी अब गेम खेल रहे हैं। जब से हम दिल्ली से चले हैं सात टोल गेट आ चुके हैं, तो टोल गेट बहुत सारे हैं। हाँ, लेकिन अभी तक हमें रोड भी बहुत बढ़िया मिली है। एक्सप्रेस हाईवे तो बहुत बढ़िया था ही, आगरा टू लखनऊ हाईवे भी एकदम जन्नत बन चुका है। और अभी तक हमने जो आगरा टू लखनऊ हाईवे छोड़कर हम जो इटावा की तरफ मुड़े थे, तब से अब तक ये नेशनल हाईवे ही है। इतना बढ़िया नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया, ऐसा है जैसे पहले दिल्ली टू मथुरा की रोड बनी हुई थी ना, जो आराम से फास्ट चल सकते हैं लेकिन बीच बीच में थोड़े थोड़े गड्ढे हैं, वो वाला हाईवे बना हुआ है। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यमुना एक्सप्रेस वे पे चलते चलते गाड़ी के टायर गर्म हुए, हवा अपने आप बढ़ गई, एक्सपैंड होती ना हीट से हवा, तो 40 थी टायरों में हवा। अब हम एक जगह पर रुके हैं, छोटी सी टपरी जो हवा वाली, और यहाँ पर हम हवा 35 करवा रहे हैं। अभी एक्चुअली कितनी है इसमें? 35 करवा रहे हैं। क्या बात है भाई, हवा वाले के पास R15। हाँ सही बात है, इसने प्रूफ कर दिया। ये भाई यहाँ पे रोड के हाल, जय हो योगी सरकार की। रोड नहीं है लेकिन हाँ क्या जीजा साले की फाइट चल रही है पी के पीछे। अब जनता को बता दो पी क्या चीज है भाई, बता दो। पार्किंग गेयर। अरे कितने साल बाद आपने फाटक देखा लगा हुआ? मैं तो कई साल बाद, 8-10 साल बाद, 4-5 साल बाद ही देखा होगा। 4-5 साल? क्यों 4-5 साल पहले कहाँ गए थे जो फाटक देखा आपने? तेरे को बता के जाता हूँ। स्वीडन? और क्या, स्वीडन में फाटक नहीं होता। मैं तो कह रही हूँ। हो गई नींद पूरी सुनी? आप पहले आकर बैठ गए थे? भूख बहुत नहीं थी लेकिन हाँ खाना तो बाद में आया। आपको एम्बियंस कैसा लग रहा है वैसे देख के? अच्छा, ये बीच में बांदा का पड़ता है ना, तो मैंने आपको कह रखा था बांदे में हम यहाँ पर आए, बांदा बावर्ची रेस्टोरेंट, यहाँ पे एक या दो अच्छे रेस्टोरेंट में निकाले थे, उसमें सबसे बढ़िया ही रहा था, तो यहाँ पर हम आएंगे देखने का खाना बस। आज क्या क्या जीजू इनके मेन्यू में? और तो सब नॉर्मल है, बस कुछ आइटम हैं जो मेरे ख्याल से उसमें चाइनीज भी है, साउथ इंडियन भी है। चाइनीज तो दिख नहीं रहा ज़्यादा कुछ, लेकिन हाँ सिज़लर विज़लर लिखा हुआ देखते हैं क्या। नॉर्थ इंडियन तो पूरा ही है भैया। राइस होगा वाले में, फ्रूट वगैरह पड़े होंगे, कुछ वेज वाले में ओनली वेज होगा। वैसे तो हम चाह रहे थे पनीर लबाबदार ऑर्डर करें, लेकिन जीजू ने बोला कि पनीर दो प्याज़ा लेते हैं, पनीर दो प्याज़ा लिया है, एक दाल मखनी लिया है और स्टफ कुलचा और गार्लिक कुलचा लिया है। स्टफ कुलचा और गार्लिक नान, जो हमने रिव्यूज पढ़े थे ऑनलाइन उसके हिसाब से तो ये वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है बांदे का, आप खा के पता चलेगा इसके रिव्यू क्या। और बर्थडे गर्ल पार्टी कर रहे हैं आपके बर्थडे की। अच्छा आप इतनी हॉट क्यों लग रही हो आज? चलवा गई तेरी मम्मी, अच्छी लग रही है कुछ कह ही नहीं। भाई बहुत ज़्यादा जगह सर्च पे किया था हमने चित्रकूट के आसपास, और चित्रकूट के रास्ते में हम कौन सी जगह पे खाना खाएं, तो बांदे पे जाके हमें बांदे बावर्ची रेस्टोरेंट मिला था। एंड जैसा इसका हमने नाम सर्च किया था बिल्कुल जस्टिस किया इन्होंने अपने फूड के टेस्ट के साथ। हमने यहाँ पे पनीर लबाबदार मंगाया, पनीर दो प्याज़ा मंगाया, बहुत ज़बरदस्त मतलब खाना था, मुझे बहुत बढ़िया लगा। और हम आलू नान के साथ खाते हैं बिल्कुल बनियों वाला खाना, और बनियों वाले खाने के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट था। सुबह मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, हमने 5 रुपये में खाना खाया तो 1100-1200 रुपये हमने खा लिया। अगर आप आ रहे हैं दिल्ली से चित्रकूट बाय रोड, तो यहाँ पर बांदे पहुँचेंगे, जब आप बांदे से ज़रूर गुजरेंगे तो बांदे जब पहुँचेंगे तो आप बांदे वापसी भी खा सकते हैं।
आप रुक के खा सकते हैं, ना महंगा है ज़्यादा और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया। दीदी कैसा लगा बांदे बावर्ची का खाना? बहुत स्वाद था। सबसे बढ़िया क्या लगा? पनीर लबाबदार। अच्छा क्यों? उसमें ना चीज़ की कोटिंग थी तो डिफरेंट, आज तक नहीं खाई और ऐसा नहीं लग रहा था कि चीज़ी चीज़ी है। दोनों का स्वाद इतना एकदम बेहतरीन था ना, बहुत बहुत अच्छा था। कैसा लगा नान? नान बढ़िया था। सबसे बढ़िया क्या लगा नान में? क्या बात, सबसे बढ़िया तो स्टफ नान लगा, पनीर लबाबदार बढ़िया था। चीज़ डाल के उसमें ग्रेवी में वो कर रखा था, वो वाला मोज़रेला चीज़ डाल के, दिल्ली में तो इतना बढ़िया नहीं मिलता। अच्छा थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। भैया सोनी ने बोला था कि अगर मामा मैंने गुड गर्ल बनी तो मैं तो आइसक्रीम जरूर खिलाएंगे, तो हम आइसक्रीम भी लेंगे यहीं से, देखते हैं यहाँ पे कितनी आइसक्रीम है और आइसक्रीम लेके जरूर जाएंगे भाई। तो देखिए एक कप है। अच्छा जी, नहीं नहीं छोटी छोटी आइसक्रीम में जो है कौन मिल जाएगा आपको? कब यही? ये कौन सा वाला वनीला है, कौन सा है? बटरस्कॉच है सर। तो यही दे दो, ये एक ये दे दो, एक ये दे दो बस। वनीला का है, ये चॉकलेट का है। और चॉकलेट का कब मिल जाएगा? आ चुके हैं भाई हम बाहर, बांदे बावर्ची के बाहर आ चुके हैं। बहुत अच्छा खाना था, जा रहे हैं वापस, सबके रास्ते वापस जाते हैं। 80 किलोमीटर है यहाँ से, 1-1.5 घंटा लग सकता है। ये रही हमारी गाड़ी। सोनी भैया, मामा ने कहा प्रॉमिस किया था आपसे कि मामा रूफ पे ले जाएगा, रूफ पे आओ। और मामा ने एक और प्रॉमिस किया था ना, क्या प्रॉमिस किया था मामा ने दूसरा? कैसा लगा सोनी आइसक्रीम का सरप्राइज? अरे मेरे को भी दो लाए हूँ, दो लाए हूँ। कौन वाली आप ले लो, मुझे दोनों लूंगी दोनों। क्या बात है, चलो सोनी कैसा लग रहा है? बांदे बावर्ची से निकलने के बाद चित्रकूट पहुंचने में हमें लगा तकरीबन 1-1.5 घंटा और 1.5 घंटे बाद हम पहुंच गए थे प्रसिद्ध चित्रकूट की एंट्री पे। भाई दाम चित्रकूट धाम के लगा दो जयकारे। बोलो श्रीपति राम की जय। तो भैया हमने जहां गाड़ी खड़ी करी है अपनी, एकदम रामघाट के पास ही है, एक चौराहा तिराहा टाइप है चित्रकूट का, और वहां के एकदम फ्रंट पे पार्किंग, रोड पे पार्किंग मिल गई है। कोई ऑफिशियल पार्किंग है नहीं तो हम कोई सही जगह पे लगा नहीं पाए, रोड पे लगाई है क्योंकि बाकी सारी गाड़ियां भी खड़ी थी। और यहाँ से पैदल का रास्ता है रामघाट, कुछ ऐसा सा दिख रहा है नजारा। एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, संतों का वहां जमघट वहां तुलसी पधारे। तो आरती कितने बजे होती है? आरती 7:30 बजे होती है। 7:30 बजे होती है। अच्छा लेते हैं शाम को। अच्छा आप कैसे दिखाओगे? मैं आपको पूरा बोट द्वारा दिखाऊंगा बाबू जी, पूरे दर्शन रोक रोक के दर्शन कराऊंगा, पूरा गाइडिंग करूंगा। अच्छा जी, पूरा जिम्मेवारी से ले जाता हूँ, जिम्मेवारी से लाता हूँ। और कितने लोग हैं आपको? एक बोट का 1250 बाबू जी, पूरा दिखाने का। 100 रुपए का होता है बोट, 100-150 मैक्सिमम, और आप 1250 कह रहे हो? आप बाबू जी 100-150 में नहीं होता है यहाँ बाबू जी। बोट आपको 5 सारे बंदों को बोल रहा हूँ, 1 रिजर्व आपको ना देंगे, वाजिब पैसा देंगे आपको, पैदल कर लेंगे भाई। धन्यवाद। पैदल नहीं होता है बाबू जी, पूरा दर्शन नाव से होता है सर जी। कोई बात नहीं, कर लेंगे भाई। भाई रामघाट पे बोट से पूरा घुमाते हैं, बोटिंग में आप बोट पे बैठ जाओ और वो आपको वहीं से भरत मंदिर, तुलसी जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर करा के पूरा घुमा के वापस लेकर आते हैं। लेकिन बोट के पास जाओगे, अंट शंट दाम बोलते हैं बोट वाले भाई, बिल्कुल भी उनके पास बात मत मानना। 100 से 150 रुपए पर हेड, मतलब एक सवारी का 100 से 150 रुपए में आपका वही चक्कर पूरा राउंड आप कटवा सकते हो, मतलब ये एक ओके प्राइस है। अभी हमने पूरी बोट हायर करने की बात करी तो उन्होंने बोला 1200 रुपए लगेंगे, 1250। बार्गेनिंग कर करके हम 5 जने हैं तो 500 रुपए में मान गया भाई। और मैंने बोल दिया उनको कि अगर हमें बहुत अच्छा लगा तो ऊपर से हम 100-200 अपने आप से दे देंगे, वो मान गया। तो देख लो, खुद ही देख लो कहाँ 1250 कहाँ 500 रुपए। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे। भाई देखो मैं आ चुका हूँ रामघाट पे और मेरे पीछे आपको दिख रही होंगी यहाँ की बोट, बहुत ही सुंदर तरीके से सजा के लेके जाते हैं भाई ये लोग बोट्स को। हम और भी जगह बोटिंग पे गए हैं, हम अभी अभी वृंदावन और मथुरा का ट्रिप करके आए थे, वहाँ भी बोट्स थी, बहुत ही सिंपल तरीके से, वो भी अच्छा घुमा रहे थे लेकिन बहुत सिंपल तरीके से था। यहाँ पर एक बोट में उन्होंने गद्दे वद्दे लगा रखे हैं, खरगोश वरगोश बिठा रखे हैं बोटों में, म्यूजिक सिस्टम लगा रखे हैं और मतलब पूरा एंजॉयमेंट कराते हैं, पूरा रामघाट आपको बोट से दिखाते हैं। और जी जी चले, ये यूपी वो सामने एमपी। हाँ इस नदी के इस तरफ यूपी है, इस तरफ एमपी है। हाँ आओ, क्या नाम है भैया तुम्हारा? मुन्ना। हमें जो जो चीजें ना बताते रहना बोल बोल के हैं। चलो आओ एक एक करके चलो। मैं निकला कोट लेके,
भगवान श्री राम ने इनसे अनुमति लेकर के 11:30 भगवान राम श्री राम ने 11:30 साल स्नान करते थे इस मंदाकिनी पे। यहाँ 900 वर्ष पहले भगवान को यही दर्शन हुआ तुलसीदास महाराज को। और ये कौन सा मंदिर ले जा रहे भैया? ये मंदिर बनवासी भगवान है, जहाँ भगवान राम ने 11:30 साल आए थे चित्रकूट में वनवास के लिए। जिस भूषण पहने हुए वही भगवा भेष में बैठे हुई मूर्ति राम लक्ष्मण सीता 5 फुट की मूर्तियाँ हैं। सती अनुसुईया माता ने इनको श्रृंगार किया था। ये मारुति नंदन की 5 फेरी होती है। रामघाट शिवलिंग है, शिवलिंग की फेरी होती है। बहुत बढ़िया, ले लो गोदी में ले लो। जम्पी आओ, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से, बस आओ जीजू। आप भी हाथ पकड़ो। तो भाई अपने राम घाट पे बोट लेने के बाद ये है हमारा पहला डेस्टिनेशन। यहाँ पे श्री हनुमान जी की मूर्ति है। कहते हैं कि यहाँ पे एक परिक्रमा लेके हम शुरुआत कर सकते हैं अपने मंदिरों के दर्शन की। पधारे संतों का जहां जमघट वहां तुलसी पधारे। भैया अब हम अपने सेकंड डेस्टिनेशन जा रहे हैं हमारे आज के राम घाट के दर्शन के। ये जगह है जानकी देवी मालपानी आश्रम। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ हैं। श्रृंगार किया था अपनी माता सीता जी का, और उन्होंने अपने जो पति धर्म का जो ज्ञान होता है ना माता सीता जी को, अनुसुईया माता ने इसी मंदिर में दिया। वनवासी राम मंदिर में भगवान राम, श्री सीता और लक्ष्मण जी की तकरीबन 5 फुट लंबी प्रतिमाएं हैं, जो कि उसी भगवा वेश में हैं जिसमें भगवान राम ने वनवास काटा था। बोलो भगवान श्री राम की जय। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर है, जिसे माता अनुसुईया ने अपने तप से प्रकट किया था। माता अनुसुईया ने माता सीता को भी पति धर्म का ज्ञान दिया था, और यही वो मंदिर है जहाँ शाम की आरती के 51 बाती के दिए तैयार होते हैं। एक में क्या होते हैं कितनी देर तक चलता है पंडित जी आरती? 30-35 मिनट चलता है, 1 घंटा पूरा हो जाता है। अच्छा ठीक, एक मिनट छोड़िए पंडित जी, एक बार आ जाओ। क्या हुआ अनुज, इतने दुखी हो करके बैठे हो तुलसीदास जी के मंदिर जाते हुए? पानी बहुत अच्छा आया, एकदम भर के आया। आपको कैसा लग रहा है पृष्टि? मजा आ रहा है? दोनों हाथ ऊपर करके चालू है जरा। भाई क्या कह रहे हो? अब वो शाम होती जाएगी ना, तो पानी के साथ में है वो। ये कौन सा मंदिर है भैया? ये भरत जी का मंदिर है। भरत जी राम को मिलाने आए पावड़ी लेकर के अयोध्या से। भाई ये है हमारा अगला डेस्टिनेशन, हम आए हैं भरत मंदिर, जो राम घाट पे है भरत मंदिर। ऊपर में है राम लक्ष्मण जानकी जी है, बीच में है 4 मूर्ति राजा जनक जी, सुभद्रा जी महाराज है, सफेद वाली है भरत जी महाराज की, काले काले ठाकुर जी शालिग्राम भगवान है। चलो चलो बोलो रघुपति श्री राम जी जय। ये कौन से मंदिर जा रहे भैया? तुलसीदास जी का। श्री राम जानकी। चलो चलो चलो। वो जगह ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर तुलसीदास जी बैठ के चंदन घिस रहे थे, और इस जगह पर उन्होंने सियापति रामचंद्र हमारे राम जी उनको चंदन लगाया। अच्छा कहाँ तक पानी था? यहाँ तक पानी था, इसलिए ऊपर वो अच्छा पूरा डूबा हुआ था, कह रहे खड़े यहाँ पे। अरे तो सारी दुकानों के अंदर पानी चला जाता। हाँ तभी तो बंद है सब, और जो थोड़ा पानी चला गया होगा। और ये तुलसीदास जी की अखंड जो 470 वर्ष से चल रही है। जब तुलसीदास जी बनारस में थे, तब उनको हनुमान जी ने कहा था कि बाबा आप चित्रकूट जाओ, आपको वहाँ भगवान के दर्शन होंगे। तो बाबा यहाँ पर आके अपनी छोटी सी कुटिया बना के ये दीपक जला के 6 महीने राम नाम का जाप किया। 6 महीने बाद हनुमान जी ने फिर से दर्शन दिया, कहा बाबा कल मौनी अमावस्या है, भगवान घाट में स्नान करने आएंगे, आप भी उनका दर्शन करना। बाबा सोचे कि भगवान आ रहे हैं तो उनको भेंट में क्या दूंगा, उनके पास कुछ नहीं था। वो सुबह से चंदन घिसते बैठ गए, चंदन घिसते घिसते प्रेम में इतना मगन हो गए, और भगवान आए कहने लगे बाबा हमें भी चंदन लगा दो, हम भी घाट में स्नान करके आए हैं।
तो सामने बैठे हुए भगवान को नहीं पहचान पाए। दूर से हनुमान जी देख रहे थे, तो हनुमान जी ने सोचा कि जो अगर भगवान ऐसे ही चंदन लगा के चले जाएंगे तो मेरी बात वाणी तो झूठी हो जाएगी। तो उन्होंने तोते का रूप धारण करके दोहा बोला, चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन जी से तिलक देत रख गई। तब जाके भगवान को तुलसीदास जी का दर्शन हुआ। भैया अभी अभी हम तुलसीदास जी वाला मंदिर देख के आए हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा। उन्होंने हमें बताया क्या स्टोरी थी, क्या थी दीदी वो? तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, फिर क्या हुआ? वो रघुवीर जी आए। अच्छा, वो पहचान नहीं पाए। अच्छा, फिर पीछे हनुमान जी सोचते रहे ये तो मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाएगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो तोते का रूप लिया पहले और फिर तोते की आवाज दी, जिससे कि उनको पता चला तुलसीदास जी को कि ये श्री राम खुद आए यहाँ पर। वो एक दोहा सुनाया, उससे पता चला कि राम जी आए। और दोहा क्या था? चित्रकूट के घाट पे लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। इसी बात पे बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। हेलो देखो, बोर्ड भी लगा हुआ है, ठिकाना नहीं है। अच्छा। क्योंकि आपका बाढ़ चल रहा है, आरती कल भी नहीं हुई है और आज तो और पानी ओवर है, कोई अभी आरती का संभावना नहीं है। नहीं आरती तो बहुत नहीं आज होती है, कंफर्म नहीं है, इसलिए पानी है, ओवर पानी है भाई। बोटिंग कर ली है, बोटिंग एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो बिल्कुल ही 100-150-200 रुपए लायक की है बोटिंग। और अगर आपको इससे कोई ज्यादा मांग रहा है तो ज्यादा मांग रहा है, वो बहुत ज्यादा है। इसमें कुछ नहीं है, घाट छोटा सा घाट है, आप देख रहे हो वो सामने, पैदल भी जा सकते हो फुट ओवर ब्रिज से। पीछे आपको फुट ओवर ब्रिज दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा दूंगा अभी। और आसपास दोनों घाट की दोनों तरफ ही 2-3 मंदिर हैं, आप वो पैदल भी कर सकते हो, बोटिंग की कोई जरूरत है भी नहीं। लेकिन ठीक है, जस्ट टू हैव अ गुड फील आप बोट ले सकते हो, लेकिन आई थिंक उसे 200-300 रुपये से ज़्यादा बोटिंग इट्स नॉट वर्थ इट। चलिए अब हम चलते हैं अपने आखिरी डेस्टिनेशन हमारे राम मंदिर के, जो शिव मंदिर है यहाँ पे, मत गजेंद्रनाथ मंदिर जा रहे हैं हम, शिव जी के मंदिर है, सीढ़ियाँ काफी क्या जब आया है इतना बढ़िया। ओ भाई साहब जी, जो अपने पीछे देखो जरा, डाल दो ऊपर से डाल दो ना इसे, मुझे पकड़ा। महाराजाधिराज गजेंद्रनाथ मंदिर शिव जी का वो मंदिर है जो रामघाट चित्रकूट में स्थित है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ पे शिव जी के एक नहीं चार शिवलिंग हैं, और ये माना जाता है कि ये चारों शिवलिंग स्थापित किए गए थे भगवान द्वारा। सबसे पहला शिवलिंग स्थापित किया था ब्रह्मा जी ने शिव जी के स्वागत के लिए, जहाँ पे उन्होंने शिव जी को इस जगह का महाराजा घोषित किया था। दूसरा शिवलिंग स्थापित किया था राम जी ने जब वो चित्रकूट में अपना वनवास काटने आए थे। तीसरा और चौथा शिवलिंग स्थापित किया था अत्रि जी और अगस्त्या जी ने। कहा जाता है कि भगवान राम ने चित्रकूट में वनवास काटने से पहले महाराजाधिराज गजेंद्रनाथ जी की आज्ञा ली थी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आवर फर्स्ट डे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आए हुए हैं चित्रकूट और कल शाम को हमने रामघाट के दर्शन किए थे। आज सुबह उठते ही एकदम सुबह 6 बजे 5 बजे उठे हम, तैयार होके 6 बजे निकल चुके हैं। हल्की फुल्की बारिश हो रही है, मौसम बहुत सुहाना है, बस जहां हम जाए वहां पे थोड़ी बारिश ना हो तो ज्यादा अच्छा है। झांसी है, लखनऊ है, प्रयागराज की धनी है। अच्छा, कुछ 8.5 9 किलोमीटर है। इधर है जी, सीधे हाथ, उल्टे हाथ को देखो, सीधे हाथ पे है, ये देखो क्या है, खुद ही हट रही है, हटी रही है गाड़ी को देखो। सत्य अनुसुईया आश्रम रामघाट से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पहुँचने में आपको लग सकता है आधा घंटा। भाई बिल्कुल ही रोड जाम कर रखी है इन्होंने तो। जंगल है यार यहाँ तो पूरा। भाई सती अनुसुईया माता टेम्पल पहुंच चुके हैं और बहुत ही तेज बारिश हो रही है, एकदम झमाझम बारिश हो रही है, और इतनी तेज है कि छाते में भी आप भीग जाओगे, इतनी तेज बारिश है। लेकिन देखो हम इतनी दूर आए हैं तो दर्शन तो करने ही हैं हमें, रेनी सीजन में आए हैं तो रेनी सीजन तो कहीं भी मिल सकता है। हो सकता है आपको छाते के ऊपर पड़ती हुई बारिश की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हो और मेरी आवाज़ कम आ रही हो, लेकिन अब चल रहे हैं हम आगे। थोड़ा सा आप जहाँ पे गूगल लोकेशन दिखाता है माता अनुसुईया टेम्पल की वो गलत है, तो मैंने अपने टॉप
टॉप प्लेसेस टू विजिट इन चित्रकूट, उसमें मैंने लिस्ट लगा रखी है कि एग्जैक्टली गूगल पे लोकेशन कहाँ है इस टेंपल की, तो आप वो लिस्ट में से देख सकते हैं। और गूगल जो बताता है एग्जैक्टली उस पर भरोसा मत करना, उससे काफ़ी आगे आकर है माता अनुसुईया का टेंपल। और उसके बाद गाड़ी पार्क करने के बाद आपको पैदल चलना पड़ता है काफ़ी देर के लिए, मतलब काफ़ी देर नहीं, थोड़ी देर के लिए चलना पड़ता है, और तब आप माता अनुसुईया टेंपल पहुँचोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ साथी, सोनी दिखाई हो, सोनी की तो क्यूट बाय लग रहा है रेनकोट में। हाँ मैं आ गया, क्या कह रही थी? अरे उफान आ रखा है ना ये। अच्छा। सोनी धीरे धीरे चलो, गिर जाओगे। हाँ भीग तो मैं भी गया भाई, ये तो सच्ची में एडवेंचर हो गया भाई। हाँ दीदी, मजा आ गया, एडवेंचर हो गया कसम से। देखो पानी कितना दिखता है। ओ भाई ये तो घाट के ऊपर आ गया पानी, अलग ही खुशी है। क्या गोबर से केक मत काटिएगा प्लीज। आओ सोनी आओ, जल्दी आओ भैया। कितनी आ गए मंदिर, प्रसाद लेने का टाइम नहीं है अब, हमसे पैसे चढ़ा देंगे। हैं जीजू प्रसाद छोड़ देते हैं, पैसे चढ़ा देंगे सीधा। भाई बाढ़ आने वाली है, पानी देख के साफ लग रहा है। सती अनुसुईया का मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर है, और यह मान्यता है कि मंदाकिनी नदी में स्नान करके माता के दर्शन किए जाते हैं। लेकिन जब हम वहां गए तब मंदाकिनी नदी में उफान आया हुआ था और वहां बाढ़ आने का पूरा खतरा था, इसलिए वहां के लोगों ने हमें सलाह दी कि हम जल्दी दर्शन करके निकल जाएं, वरना हम बाढ़ की वजह से इसी मंदिर में फंस सकते हैं। भैया यहाँ पे पानी बहुत तेज बरस रहा है और बाढ़ आने का पूरा खतरा है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी दर्शन करके वापस जा रहे हैं, ठीक है ना? आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या सीन हो रखा है। आओ फटाफट आओ, चप्पल उतारो, आओ चलो बाबू अंदर चलो फटाफट। हाँ जीजू वो क्या कह रहे हैं, यहाँ तक पानी आया था वो कह रहे हैं आज आने वाली है, इतनी बारिश हो गई यहाँ तक एकदम। भाई एकदम नदी ऊपर आ चुकी है, पानी कभी भी आ सकता है। यार भगवान जी ने बारिश इसलिए कर दी हमारे लिए कि हम अंदर का शूट अपने दर्शकों को दिखा पाए। हाँ अभी तक किसी को भी नहीं है। दीदी क्या कह रही हो, मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। अच्छा बस हमें जल्दी जल्दी दर्शन करने पड़ गए ना। हाँ वो बारिश की वजह से बाढ़ आ जाएगी ना। हाँ वो भाई साहब पानी देखो जरा। क्या क्या अंदर प्रसाद में अनुसुईया माता का चुंदरी और चुंदरी भी है। हाँ दीदी भी को भी देने को कहना, आ जाओ आओ जल्दी आओ, तमन्ना कर देना भाई जल्दी भर जाए। बस पानी बस आ गया भाई, पानी भरने लग गया देख। राइट में अपने जब हम आए थे तब कम था, ज्यादा है ना? अब बहुत ज्यादा। हम उनसे पूछ रहे थे, हाँ। कह रहे कच्चे पड़े हैं, कह रहे जब बारिश खत्म होगी जब ही तलूंगा। अच्छा ये पानी भरने लग गया नदी का, चलो पूरा नदी का पानी भरने लग गया। अब स्वाति अगर तुम नीचे गिर गई तो मंदाकिनी नदी में, माता सीता से फिर मैं प्रार्थना करूंगा कि सीता जी मेरे दिल से शादी करा दो। इसके लिए मुझे मारो मत, मैं वैसे ही चली जाती हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम? पानी वाली गुफा में जा रहे हैं। नीचे तक और तेरे तो यहाँ तक आएगा। सती अनुसुईया माता के हम दर्शन करके आ चुके हैं, बहुत ही एडवेंचरस हमारे दर्शन रहे। क्यों? क्योंकि एक तो बारिश बहुत मूसलाधार हो रही थी और नदी का पानी बिल्कुल उफान मार रहा था। वहां पे हम जा रहे थे ना तब भी वहां के दुकान वाले हमें बार बार रोक रोक के बोल रहे थे, भैया जल्दी दर्शन करके आ जाओ, बाढ़ आ सकती है, कभी भी आ जाएगी बाढ़, तो आपको जल्दी से जल्दी दर्शन करने चाहिए। फिर अनुसुईया माता से हम जब वहाँ पे दर्शन करें, हमने बहुत ही भाग भाग के दर्शन करे क्योंकि एकदम खतरा था कि बाढ़ कभी भी आ सकती है और रास्ता रोक देते हैं वो, मंदिर में हमें रुकना पड़ जाता। तो भगवान की कृपा से हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, हम बड़ी प्यार से दर्शन हुए, नदी का पानी भी हमने शूट करा, बहुत ही ज्यादा उफान पे था। तो ऐसे हमने दर्शन करे सती माता अनुसुईया के। इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन ये है, अरे नहीं बना पाता यार, कई बार क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता। माता मैंने भी यही सोचा था लेकिन ये नहीं। आपको नहीं लगता हम
आगे आ गए हैं। दूध गोदावरी लेफ्ट लिखा हुआ है साइन बोर्ड पे, देख ले दूध गोदावरी राइट 8 किलोमीटर। या तो जी, मेरे को ड्राइवर एंग्जाइटी हो रही है, मैं आपके बगल में बैठा ना, मैं भी ड्राइवर हूँ, तो आप जैसे स्पीड बढ़ाते हो एंग्जाइटी, ओह माय गॉड ज्यादा तेज हो गई, ये हो सकता है ना? होता है, मेरे को भी होता है। जब तू चलाता है आप कंट्रोल में होंगे आपकी गाड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कंट्रोल से बाहर हो रही है। क्या बोला इसे? गैरी, अब बात मुझे समझ में आई, मैंने कहा तू भी ड्राइवर हो गया, तुझे समझ में अब आई है। समझ नहीं पा रही दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, इसीलिए कहते हैं ज्यादा नॉलेज नहीं होनी चाहिए। ओ भैया आराम से, बॉक्स है वो छोटा, हाँ हमें ना देख पाए ढंग से, अभी पकड़ के लाता हूँ। रोड पे फॉक्स देखा, मेरी बीवी को पहले फॉक्स देखना है, क्या बात है, और वो कहाँ गया होगा पता भी नहीं। और थैंकफुली अभी बारिश रुक चुकी है, अब हम जा रहे हैं गुप्त गोदावरी। कहते हैं कि गुफा में पानी और बाढ़ आने का कोई खतरा नहीं होता, इसलिए हम आराम से दर्शन कर सकते हैं। हल्की हल्की बुखार है, तो जल्दी से जल्दी हम गोदावरी गुफा जाने की कोशिश करते हैं, देख लेते हैं ना, आ जाओ। अब देखो हम तो आए, देखो आप गुफा बंद मिले तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। यस, बहुत सुंदर लग रही है बाबू, नहीं टूटेंगे, चलो क्रॉक्स नहीं टूटेंगे, चप्पलें होंगी तो चप्पल टूट जाएंगी। ओ भाई साहब, नदी के बीच में जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। नीचे देख के लड़ा लेना, चक्कर आने खड़े हुए। बता रहे हैं आगे जाके देखो ना, मैं उससे पूछ रहा हूँ। प्रेशर सेम रहेगा, चलो आओ। गुफा, हाँ गुफाएं बंद है, चलो कोई बात नहीं, इतना प्रेशरों को बंद कर देनी चाहिए, बाढ़ बाढ़ की वजह से ही बंद है और पूरे दिन बंद रहेगा आज। मैं कह रही हूँ यहीं से हाथ जोड़ लो। हाँ हाथ जोड़ लो, चलो ये भाई हाथ जोड़ लो। बोलो गुप्त गोदावरी माता की जय। वैसे दीदी एक बात बताऊं, इससे बड़ा एडवेंचर हम कर नहीं सकते थे। गुफा में जाना था, गुफा से कम है क्या? हाँ। देखिए जरा पानी का प्रेशर, गुफा से ज्यादा भयानक है। हाँ, डेंजरस, डेंजरस कहते हैं। हम फिर भी ऊपर तक आए ऐसे इसमें बच्चे के साथ। भीग गया होगा बाबू तू तो पूरा। चलो आओ, लोग रोड पे बैठ के नहा रहे हैं, वो भी एकदम फ्रेश, अभी ताज़ा पानी एकदम। क्या जब दिल्ली में बारिश होती है हमारे, हम पानी जब बहता है हम कैसे मुंह बंद करते हैं, दूर होके भागते हैं। यहाँ पानी कितना साफ है ये बता दूँ मैं, कि हम पहाड़ों पे कितना साफ पानी है, कि अभी तक कोई गंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं। एकदम पानी के बीच पे खड़े हो गए ना, जब ऐसे गुस्सा आ रहा है, इतना डर था मुझे आपसे, कभी समुद्र में जाने में नहीं लगा भाई, यहाँ से फिसले ऐसा लग रहा, नीचे जाके रुके कार से बच के। चल बाबू पकड़ के मत चल, अकेले अकेले चल। रुक जा वहीं, साथ ही संभाल के फिसलियो मत, पांव उठा उठा के चल भाई। गुप्त गोदावरी की गुफा गए थे देखने के लिए, लेकिन क्योंकि ये बहुत जबरदस्त बाढ़ आई हुई है तो गुफा बंद है, और हम जो आगे वाली और पीछे वाली दोनों गुफाएं नहीं जा सकते हैं। तो लेकिन
भैया हमने आज एक्सपीरियंस किया कि एडवेंचर क्या होता है। एडवेंचर डेंजरस है, एडवेंचर मतलब वहाँ पे जाने के रास्ते में ना पूरे रास्ते में ऐसी नदी सी आ रखी है और इसको पार करते हुए जाना पड़ा हमें, और वहाँ जाकर पता चला कि बंद। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने तो अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा दिखाई भाई, हम दर्शन करने आ रहे थे, नहीं कर पाए दर्शन, कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं वापस। और बारिश क्योंकि शुरू हो चुकी है बहुत तेज, तो हम भीगते हुए जाएंगे, चलते हैं भाई, चलो। हाँ सजेशन बताओ स्वाति, क्या मेरा सजेशन है? अगर माता अनुसुईया टेम्पल आना हो तो सावन के महीने में आए, ताकि बाहर के मजे ले सके आप। बाहर के नहीं, आप लोग तो इतने लंबे होंगे नहीं, स्वाति तो खम्बा है, हाँ, तो स्वाति तो गुजर जाएगी। अब जो सोनी जैसी ठिक्की और जो बेचारे ठिक्के लोग आएंगे वो कहाँ जाएंगे, तो इसकी एडवाइस मत मानना। ये मेरी तारीफ थी, मेरी बुराई थी, मुझे समझ नहीं आया। भाई चित्रकूट में आए हुए थे सुबह, हम गए थे, आपको पता ही है, हम गए थे सती माता अनुसुईया मंदिर में दर्शन करने। बारिश बहुत थी और बाढ़ आ रखी थी, तो वहाँ पंडित जी ने बोला कि हमें कि बाहर जाओ और जल्दी जाओ क्योंकि यहाँ पे कभी भी पानी ज्यादा आ सकता है। उसके बाद हम गए गोदावरी में, इतना पानी था और उन्होंने बोला हमें कि अंदर दर्शन नहीं कर सकते, तो हम दर्शन नहीं कर पाए और आ गए। तो क्या करें, हमने सोचा कि हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम वापस चित्रकूट की तरफ आए और चित्रकूट में हम एक होटल में आए और वहां पे हमने ब्रेकफास्ट करा। और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, देखो अब क्या हुआ। सबसे पहले तो गोदावरी में हमारे जिया जी का फोन खो गया था। फोन खो गया मतलब उनका S20+ फोन था, पानी में गिर गया और पानी में इतना तेज बहाव था कि पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। दूसरी ट्रेजेडी हमारे साथ ये हुई कि जब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो पीछे हमारी जो BMW खड़ी है जिसमें कुछ रिपेयर पट्टी है, बरम पट्टी हो रखी है जिसकी, ये इसलिए हो रखी है जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो चाबी गाड़ी के अंदर रह गई और BMW बंद हो गई। अरे भाई उसके बाद से, वो सुबह 9 बजे का टाइम था और अब तकरीबन 1 बज रहे हैं, उसके बाद से हमने इतनी कोशिश करी कि वो BMW खुल जाए, लेकिन नहीं। हर मैकेनिक को बुला लिया, सब ने स्केल डाल के, तार डाल के, सब डाल के देख लिया, लेकिन भैया BMW X1 नहीं खुली। और अल्टीमेटली हमने BMW के शोरूम फोन करा, वहां के मैकेनिक से बात करी, उन्होंने बोला सर अब कुछ भी नहीं हो सकता, आपको शीशा तोड़कर ही चाबी निकालनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप जा सकते हैं आगे। तो अल्टीमेटली हमने शीशा तोड़ा, जो आप पीछे देख रहे हो, जो पीछे छोटा सा पार्ट हमने अभी रिपेयर कर दिया टेप लगाकर, वो शीशा हमने तोड़ा और उसके बाद हमने किसी तरह पर्स खींच के चाबी निकाली। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में जैसे भी लोग हैं भाई, चित्रकूट में इतने हेल्पिंग लोग हैं ना, इतने हेल्पिंग लोग हैं मैं आपको बता नहीं सकता। क्या हुआ, जिस होटल में हमने ब्रेकफास्ट किया था उस होटल के मैनेजर और उनके जो सहयोगी होते हैं उन्होंने हमारी इतनी मदद करी और हर चीज़ में तो हमारी मदद करी। क्या, सबसे पहले उन्होंने हमें मैकेनिक बुला के दिया, हमें कोई नहीं पता था चित्रकूट में आए हुए हैं हम, हमारे सबके फ़ोन गाड़ी में, सारे पैसे गाड़ी में, सिर्फ ये वाला फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये बाहर था और इसमें भी बैटरी बिल्कुल 5% थी। हमें फ़ोन का चार्जर दिया, हमारे लिए मैकेनिक बुलाया और उसके बाद वो मैकेनिक आया, उसने मना कर दिया कि भैया शीशा ही टूटेगा। हमारा शीशा टूटने के बाद हमें रिपेयर करने के लिए सारा मटेरियल दिया, इनफैक्ट हमें खाना भी ऑफर किया कि ओके सर आप आ जाओ लंच कर लो या फिर आपको रहना है यहाँ पे रह लो एंड डोंट वरी अबाउट द कॉस्ट एंड एवरीथिंग। उन्हीं की मदद से हमने गाड़ी का शीशा तोड़ के अपनी चाबी निकाली, अब रिपेयर कर लिया, अब इलाहाबाद जाकर हम इसको दोबारा लगवाएंगे। एक बार आपको मिल जाता हूँ वो कौन थे। तो भाई होटल बिंदीराम चित्रकूट में पड़ता है, वन ऑफ द बेस्ट होटल जो मुझे रोड से चलते हुए दिखा था, इसलिए हमने यहाँ पे नाश्ता करने का ट्राई किया था। जिन मैनेजर्स ने हमारी सबसे ज्यादा मदद करी उनसे आपको मिलवाता हूँ। होटल बिंदीराम है होटल का नाम, चित्रकूट में आए सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना, अगर चित्रकूट में आ रहे हो तो इससे बढ़िया होटल, इससे हेल्पफुल बंदे आपको जिंदगी में कभी नहीं मिल सकते भाई, इस धाम की इन्होंने शोभा बढ़ा दी है। तो एक बार मिलाता हूँ, नमस्कार सर, आपका नाम? आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता जी, और कब से काम कर रहे हैं सर यहाँ पे? मैं ओपनिंग से हूँ। तो भाई सबसे पहले आशीष गुप्ता जी, सर ने पूरी मदद करी हमारी, हमें सबसे पहले हमारी गाड़ी जो खुलता है उनको बुलाया यहाँ पर आने के बाद, जब उनसे नहीं हुआ तो उसके बाद भी हमारी सारी मदद करी। सर आपका नाम? विकास। आपका नाम सर? जय श्री राम। महेंद्र शर्मा। महेंद्र शर्मा जी एंड विकास जी ने पूरी मदद करी है हमारी। और क्या हुआ कि जब हमारी गाड़ी का जो चाबी अंदर रह गई थी उसमें, मतलब वी वर टोटली होपलेस क्योंकि हमारे लिए नई जगह है और हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी कार रिपेयर है, हमारी यहाँ पर कौन बंदा है जो हेल्प कर सकता है। सर ने हमारी इतनी मदद करी कि पहले तो हमारे लिए बंदा बुलाया, वो बंदा भी इतनी मुश्किल से मिला कि जो यहाँ पे आके ठीक कर सके। जब उससे भी कुछ नहीं हुआ तो सर ने मतलब पूरी हेल्प कर रहे थे उसके बाद भी कि कुछ हो जाए वरना, और अदरवाइज इन्होंने हमें यहाँ पे रूम भी ऑफर करा, खाना भी ऑफर करा, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट कि बस हम फैमिली हैं और हमारी हेल्प हो जाए। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो हमें गाड़ी का शीशा तोड़ना पड़ा, शीशा तोड़ने के लिए भी सर पहले गए थे और सर ने अपनी तरफ से पहले पूरा ट्राई करा, पूरा जोर मारा, शीशा नहीं टूटा, तब जाके बड़ी मुश्किल से शीशा टूटा और उसके बाद भी पूरा रिपेयरिंग में हेल्प करी। सर आए लेकर, टेप लेकर आए, गत्ता लेकर आए, पन्नी लेकर आए, सर डोंट वरी हम हैं,
ये हमारा गाड़ी को पूरा वैक्यूम करने भैया आए थे, वैक्यूम लेकर गाड़ी की वैक्यूम करने के शीशे के टुकड़े अंदर रह जाएंगे, वो वैक्यूम भी इन लोगों का ख़राब हो गया। आप कह सकते हैं हमारी किस्मत ख़राब थी सर, लेकिन बहुत मदद करी सर, बहुत मदद सर, थैंक यू सो मच आपका, आपने बहुत हेल्प करी, थैंक यू सो मच सर। एंड सर आप यहाँ पे शेफ हैं सर? अच्छा सर, सुबह ब्रेकफास्ट करा था हमने, बहुत ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट था सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। तो भाई कई बार ऐसे ही भले लोग मिल जाते हैं जो मुसीबत में आपकी पूरी मदद करते हैं, जैसे हमारी मदद करी इन लोगों ने। तो यही था हमारा चित्रकूट का आखिरी दिन जिसमें हमारा लक सबसे ज्यादा खराब था। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन था प्रयागराज। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाएं लाल बटन और उसी के साथ दबाएं घंटे का निशान। और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन ये है कि हमारी गाड़ी का कौन सा शीशा हमें तोड़ना पड़ा था। जी हाँ, वो कौन सी साइड का था, कौन सा शीशा, वो हमारे कमेंट में जरूर लिख के बताएं। आपको पता ही है जो एक महीने में सबसे ज्यादा और सबसे सही कमेंट करता है उसे मिलते कपल मूवी टिकट्स या फिर इक्विवेलेंट पेटीएम कैश एब्सोल्युटली फ्री। कमेंट कॉन्टेस्ट खेलने के लिए बस आपको हमारा ज्वाइन बटन क्लिक करके हमारी मेंबरशिप लेनी है। कोई भी मेंबरशिप लीजिए और कमेंट कॉन्टेस्ट खेलिए। इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल, नमस्ते।